हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिलीशियस फूड किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा भिंडी। तो इस भरवा भिंडी को हम बहुत ही सिंपल वे में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भरवा भिंडी बनाना। यहाँ पे मैंने लिया है 10 भिंडी, जिसको अच्छे से धुल के और पोंछ लिया है, और ऐसे बीच से मैंने कट कर दिया है जिसमें हम स्टफिंग करेंगे। 2 हरी मिर्च लिया है, इसको भी मैंने ऐसे बीच से कट कर दिया है। 1 छोटी चम्मच सौंफ लेंगे, जिसको मैंने क्रश कर लिया है, या सौंफ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यूज़ कीजिए। 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टी स्पून गरम मसाला, 1/4 टी स्पून चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, हींग यूज़ करूँगी 2 पिंच, 1 बड़ा चम्मच तेल, और 1 छोटी प्याज को मैंने 2 पार्ट में कट किया और जो उसकी लेयर्स हैं उनको ऐसे अलग कर लिया है, और 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए पहले स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैंने ऐड किया 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कम खाते हैं तो आप कम ऐड कीजिए, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, सॉल्ट में यूज़ करी हूँ 1/2 चम्मच, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, और 1 चम्मच अमचूर पाउडर, और हींग यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 2 पिंच। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको ऐड करने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक टेस्ट कर ले रही हूँ, तो बिल्कुल ठीक है। तो हमारी स्टफिंग तैयार है, तो अब चलिए स्टफिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने भिंडी को ऐसे बीच से कट कर लिया है। हमने पूरी भिंडी को 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया है, भिंडी जो है वो हमारी ऊपर से और नीचे से जॉइंट है। तो ऐसे स्पून की हेल्प से मैं थोड़ी थोड़ी स्टफिंग को लेके भिंडी में फिल कर दिया मैंने, और इसको एक अलग प्लेट में रख दिया। तो ऐसे ही मैं दूसरी भिंडी को भी स्टफ कर लूँगी। तो आप स्टफिंग को हाथ से या स्पून से स्टफ कर दीजिए। तो ऐसे ही करके मैंने सारी भिंडियों को स्टफ कर लिया। तो अब चलिए इसको फ्राई करते हैं। तो पैन गरम हो गया है, इसमें ऐड किया 1 चम्मच तेल, फिर तेल गरम हो गया है, अब इसमें ऐड किया जीरा, और इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। भरवा भिंडी के लिए तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, तभी एकदम क्रंची सी भिंडी बनके तैयार होती है। तो अब इसमें ऐड कर दिया मैंने सारी भिंडी को, और भिंडी को ऐड करने के बाद एक बार इसको मिक्स कर दिया, और फिर इसमें ऐड कर दिया मैंने प्याज, और जो बचा हुआ स्टफिंग का मिक्सचर था उसको डाल दिया। और अब मैं पैन को कवर कर दूंगी, और पैन को कवर करने के बाद ये ध्यान रखिए कि हर एक एक मिनट पे आप जो भिंडी है उसको ऐसे करके फ्लिप कर दीजिए, या फिर स्पून से मिक्स कर दीजिए, एक बार चला दीजिए, वरना ये जल जाएगी। फिर से मैंने इसको कवर कर दिया। तो पूरे 10 मिनट तक मैंने भिंडी को पका लिया, 5 मिनट ढक के और 5 मिनट खोल के मैंने भिंडी को पका लिया। और ये ध्यान रखिए, जो भिंडी है वो धीमी आंच पे पकाएंगे। तो भिंडी बिल्कुल तैयार है, तो अब हम इसको सर्व कर देते हैं। तो आप इस भिंडी को चपाती, दाल चावल या पराठे के साथ सर्व कीजिए। तो हमारी तो स्टफ भिंडी तैयार है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।